नालायको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप इन्हें जानते हैं अंकल? अरे बहुत अच्छी तरह, कमीने कहीं के, हफ्ते भर से गायब है दोनों। तुम दोनों को मालूम है तुम्हारे डैडी तुम्हारी वजह से कितने परेशान है? अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, हम तो बोलकर भी आए। देखिए ना, खाम खा लोग बोलते हैं कि दुनिया पड़ी है। अफवाह भी देख लीजिए, आप गुलशन को भी जानते हैं, गुलशन रंजीत को भी जानते हैं, रंजीत और इनके डैडी हीराचंद को भी जानते हैं। हीराचंद, ये हीराचंद कौन है? अंकल जी आपकी कमाल की भूलने की आदत है। हाँ हाँ, कल ही आप हमारे डैडी से मिले। लो अभी आप पूछ रहे हैं कि हीराचंद कौन है। नहीं लेकिन उस हीराचंद का तुम्हारे डैडी से क्या ताल्लुक है बुन्नू? बुन्नू? हाँ बुन्नू। ये बुन्नू कौन है? ये बुन्नू। ये क्या चक्कर है मुन्नू? मुन्नू, ये देखिए आंटी, अंकल मुझे भी गलत नाम से पुकार रहे। अंकल मेरा नाम मुन्नू नहीं है, रंजीत है। रंजीत? अरे ये तो बजरंगी है ना, या और कोई है? अंकल ये तो बजरंगी है और ये गाड़ी भी स्टार्ट कर चुका है। क्यों? इसलिए कि हम लोग को अभी यहाँ से भागना है। क्यों? अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अन्नू जी मुझे लगता है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? हाँ, ये दोनों मेरे पुराने दोस्त हसमुख के लड़के हैं, गुलशन और नहीं मेरा मतलब है बुन्नू और मुन्नू। डैडी, डैडी। तू फिर आ गया बदमाश। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मुझे मारना चाहता है मार लीजिएगा, मगर पहले बुन्नू को बचाइए, उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ। क्या? हाँ, और उसकी याददाश्त चली गई है। पहले नहीं की जोड़िया जाने मन की बतिया हमारू। बच्चे क्या हो गया तुझे? मिनट माँ, एक मिनट ठहर जरा। यार ये कैसा एक्सीडेंट है, चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अंदरूनी चोट लगी है, गाड़ी सीधी भेजा पर चढ़ गई और ये बेचारा पागल हो गया। और हम पागल नहीं हुए रे। ये देखिए सारी दुनिया चांद पे जात है, हम सीधा सूरज पे जाप। नहीं नहीं बेटे, सूरज तो बहुत गर्म होता है, वहाँ आग ही आग है। अरे ये खातिर तो हम फैसला किए हैं कि हम सूरज में दिन में नहीं, रात में जाओ रात में। अब बड़ी कलेजे में ठंड लगते रहे और मार इसे। अरे माँ मैं कोई लोगों को दुश्मनी से थोड़ी मारता रहता हूँ, औलाद ज्यादा बिगड़ ना जाए इसलिए मार देता हूँ। क्या अब भी विश्वास नहीं करेगा? जा डॉक्टर को बुला जा। नहीं नहीं मैं अभी डॉक्टर को फोन करता भी करता हूँ। अरे मेरे बच्चे, मेरे मुन्नू क्या हो गया तुझे? वो तो ठीक है मुन्नू, मगर पागल की एक्टिंग करते करते कहीं मैं सचमुच पागल ना हो जाऊं रे। तू हो या ना हो डैडी जरूर पागल हो जाएंगे। डैड देख देख मुन्नू कुछ याद आया, ये डैडी है। डैडी? ये डैडी का होता है? डैडी मेरे जैसा होता है बेटे, एक बहुत बड़ा गधा होता है जो अपनी औलाद का बोझ अपने सर पे उठाता है। कुछ याद आया बेटे? नहीं डैडी, बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत थक गया होगा ना? हाँ। बेटे नीचे आ जाओ, सब याद आ जाएगा। आ जाओ। बेटा ऊपर लेकर आता है, बाप नीचे लेकर जाता है, तो चलो नीचे चलते हैं। आप किसी से डरते हैं क्या? धीरे धीरे संभाल के संभाल के। कुछ याद आया? नहीं। तो फिर ये तेरी आंखें क्यों फैल गई? बस यूं ही फिर गई डैडी। डैडी? आधी याददाश्त वापिस आ गई ना, आधी मैं वापिस। नहीं 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 डैडी, मरीज को मत मारो। मरीज? अरे मरीज तुम्हें, तुम दोनों को। आंटी जी, हम लोगों ने जो गलती की उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। हमारे डैडी बहुत गर्म है, आप उन्हें ठंडा कर दीजिए ना प्लीज। क्या? इस बार बड़े मुश्किल से घर में घुसा है आंटी जी, कुछ कीजिए वरना डैडी हमें फिर से घर से निकाल दे। यही सजा है तुम लोगों कि तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। और तुम लोग भूखे प्यासे सड़कों पे ठोकरे खाओ। मैम साहब इतने गए गुजरे भी नहीं हम लोग, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हैं। तो सुनो बेटा, आज के बाद मेहनत और मजदूरी करके तुम अपना पेट पालना। ये आप बोल रहे हैं? तुम 2 रुपया मुझे कमा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों। आप हमें चैलेंज कर रहे हैं? हाँ चैलेंज कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितने निकम्मे और नाकारा तुम लोग, और फिर इतने शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर में जाकर इतनी घटिया हरकत की शर्म नहीं है तुम लोगों को? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, हम लोग उनसे प्यार करते हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डैड? अब अल्फाज नहीं मिल रहे तो जाना दीजिए ना। अच्छा क्या बोला? निकल निकल बाहर। ए डैडी हम कोई कचरा नहीं है जो आप घड़ी घड़ी उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। हाँ। अबे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुकुम चलता, जो मेरे हुकुम में नहीं चलता वो बाहर जाता है। आपका घर? हाँ। डैडी आज तक हम इसे अपना घर समझते रहे, मगर आज
आज आपने हमारी आंखें खोल दी, आंखें। आज से हम अपने पैरों पर खड़े रहकर दिखाएंगे। आप हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, तब भी हम वापस नहीं आएंगे। इस वादे बैठा लेना। मैं तो मजाक कर रहा था। चलो बाहर निकलो। ओके 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 आंटी, बाप और बेटों के बीच दीवार खड़ी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चल बजरंगे। देखा, बंदर समझता है लेकिन आप नहीं।